कल ही पढ़ रहा था कि एक मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी का मामूल ये बनाया है कि वो हाथ से कुरान लिखती है, और जब वो कुरान मुकम्मल हो जाता है तो किसी इदारे को, किसी मदरसे को हदिया कर देती है। इतनी बड़ी मेहनत है कि औरत घर के काम भी करे, बच्चों को भी संभाले, शौहर के नाज नखरे भी बर्दाश्त करे, और कुरान भी लिखे और हाथ से। इसी तरह एक चंद दिनों की बात है, वो भी मैंने अखबार में देखा था कि एक हमारी बेटी ने, एक हमारी बहन ने सोने की तारों से कुरान लिख दिया है। जैसे तारों से भराई करते हैं ना कपड़े पे, ऐसे वो भराई कर दी गई हरूफ की, और पूरा कुरान सोने की तारों से लिखा गया। तो ऐसी औरतें तो इस दौर में भी मौजूद हैं। हजूर का जमाना तो हजूर का जमाना है ना, सहाबा का जमाना सहाबा का है, ताबीन का, खैर कुरून का। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे फितन में भी ऐसी औरतें मौजूद हैं, ऐसी बेटियां मौजूद हैं। और मेरे मालूमात में जो आया है, क्योंकि काफी अरसा हो गया मैं पाकिस्तान नहीं जा सका, लेकिन राबता तो होता है ना जी, कि जितनी मदारे से बनात हैं, लड़कियों के मदरसे हैं ना, वो ज्यादा मेहनत से कामयाब हो रहे हैं। और दौरे हदीस तक किताबें पढ़ रही हैं, आलिमा फाजिला बन रही है, और लड़कों से ज्यादा नंबर लेती है विफाक के इम्तिहान में। तो ये नसीब की बात है, किसी को फिल्में देखने से फुर्सत नहीं, किसी को लैपटॉप पे बैठ के चीटिंग करने से फुर्सत नहीं, किसी को हल्ला गुल्ला करने से फुर्सत नहीं। और ऐसी भी बेटियां हैं जिनको कुरान और हदीस पढ़ने से फुर्सत नहीं। जितना टाइम मिलता है या कुरान में है या हदीस में। और एक हम अजीब दौर से गुजर रहे हैं, मुश्किल ये आ गई है कि जितना लड़की नेक है उतना तंग है। पहले तो उसका रिश्ता ही नहीं होता, और जी मुलवानी से कौन रिश्ता करे, अगर हो भी जाए वो कह छोड़ो यार, हो तो कुछ एंजॉय करना भी नहीं जानती, तो मुलवानी में पकड़ के घर में ले आया, बस माँ बाप ने मुझे मजबूर कर दिया। क्या मैं दिखिया नूसी, हर वक्त दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, मुसल्ले पे बैठी है, नमाज पढ़ रही है, तस्बीह पढ़ रही है, ये भी कोई औरत है? ये इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। और जितनी औरत बेहया है वो ज्यादा खुश है, उसका खावंद भी खुश है, घर वाले भी खुश है, मोहल्ले वाले भी खुश है, क्योंकि वो सबको माशाल्लाह एंटरटेन करती है, सखी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फला नकूलु इल्ला ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुआ करें अल्लाह हमारी बहनों की, बेटियों की इज्जत और असमत की हिफाजत फरमाए। मेरी बेटी, ये दुनिया के चंद दिन हैं, गुजर जाएंगे, असल जिंदगी तो आखिरत की।